भगदड़ की बात कर लेते हैं। ग्वालियर से खबर आपको बता रही है, ये राजनीतिक भगदड़ है। दरअसल अमित शाह का दौरा होना है और उसके पहले कांग्रेस में भगदड़ सी स्थिति नजर आ रही है। ग्वालियर ग्रामीण के कई सरपंच बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता इन सभी कार्यकर्ताओं को दिलाई है, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शाह का दौरा है और उससे पहले कांग्रेस में भगदड़ सी स्थिति नजर आ रही है। ग्वालियर आ रहे हैं दरअसल अमित शाह और उनके दौरे से पहले कांग्रेस में भगदड़ है। ग्वालियर ग्रामीण के कई सरपंच जो हैं उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके अलावा 100 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले ये थे और अब बीजेपी में इन्होंने कदम रख लिया है, बीजेपी की सदस्यता दिलाई है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें। आगे बढ़ते हैं, मुरैना की बात करते हैं जहां पर अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है। अलापुर की मुख्य सड़क से अवैध निर्माण को हटाया गया है और करीब 24 मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। जोरा कस्बे की अलापुर पंचायत में यह एक्शन हुआ है। पुलिस और जोरा नगर पालिका की तरफ से मिलकर संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई है और अवैध रूप से जो अतिक्रमण यहां पर लगाया गया था उसे तोड़ने का काम किया गया। अलापुर की मेन रोड जो है उसी पर यह अवैध निर्माण कर दिया गया था, इसे हटाने का काम किया गया। 24 मकानों पर बुलडोजर चला है और जोरा कस्बे के आलापुर पंचायत में यह कार्रवाई हुई है। पुलिस भी और जोरा नगर पालिका की टीम भी दोनों यहां पर पहुंचे थे इस एक्शन पर काम करने।